राजस्थान में राम नवमी तस्लीह ने वीडियो पर मार डालने वाले आदमी की स्तुति की। जोधपुर में राम नवमी के जुलूस ने एक बार फिर बदनाम हथियारों के लिए विशेष रूप से कट्टरपंथियों के समर्थन को उजागर किया, जो उन्हें प्रेम जिहाद के खिलाफ अभियान का शुभंकर बताते हैं। राजस्थान में एक आदमी की मौत का शिकार करने वाले शंभूलाल रायगा, जो कि पिछले सप्ताह जोधपुर में राम नवमी के जुलूस के दौरान एक मूर्ति में महिमा की गई थी, ने अपना शरीर जला दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया। रविवार को भारतीय हिंदू परिषद VHP ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एक सहयोगी द्वारा आयोजित किया गया था, जो शत्रुघ्न भाजपा के वैचारिक संरक्षक है। 33 वर्षीय रायगर, जो जेल में है, अपने आप को एक मेकअप के साथ भगवान राम और सीता के साथ था। एक व्यक्ति जो उस पर कुटिलता से बैठकर एक सिंहासन पर बैठे थे, एक उठा कुल्हाड़ी रखते थे, जैसे एक रायगर ने मोहम्मद अफराजुल को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। और राजस्मंद में फिल्म आए गए हत्या के वीडियो से एक ही लाल शर्ट और सफेद पतलून पहने थे। उसके पहले जमीन पर एक और आदमी ने रायगर का शिकार खेला। आमतौर पर राम नवमी जुलूस के हिंदू देवताओं और देवी देवताओं के शोकेस प्रस्तुत होते हैं। रायगा की हत्या वाले वीडियो ने पूरे देश में सदमे और घृणा उत्पन्न की। उन्होंने सबसे पहले दावा किया था कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला क्योंकि वह एक महिला को प्यार जिहाद से बचाने की चाहती थी। एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम व्यक्ति के बीच संबंध के लिए दाहिने पंथ समूहों द्वारा इस्तेमाल की गई शब्द और उन्हें धमकी दी गई थी। बाद में उभरा कि रायगढ़ का मामला गलत हो गया था। मोहम्मद अफराजुल एक ऐसे व्यक्ति का दोस्त बन गया है जिसने रिवाद को प्यार किया था, लेकिन रायगढ़ को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सही विंग समूह द्वारा नायक के रूप में पेश किया गया था। हत्या और सांप्रदायिक नफरत के लिए उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद दंगे और आगजनी के लिए 200 सेकंड अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने उदयपुर में एकता में जुलूस लेने के लिए प्रतिबंधों की मांग की। हाल ही में वह जेल से वीडियो में सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह खतरे में था। जोधपुर जुलूस एक बार फिर बदनाम हथियारों के लिए समर्थन, विशेष रूप से कट्टरपंथियों में, जो उन्हें प्यार जिहाद के खिलाफ अपने अभियान का एक शुभंकर के रूप में पेश किया। विहिप नेता ने कहा, शहर में तलवार चलाने के लिए कोई अपराध नहीं है।